नमस्कार जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को फिर अपशब्द कहा है। झारखंड विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायक को भद्दी भद्दी गाली दी और कहा कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे। यही नहीं, उन्होंने इरफान अंसारी की जीभ खींच लेने की भी बात कह दी। तो कांग्रेस विधायक को भद्दी गाली दी है, रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं। जो है छोट बड़ बात बोलता है, जितना हमारा नेता बाबू लाल मांझी जी का उम्र होगा उस समय भी नहीं हुआ होगा, चलता होगा। अब आज ऐसा बतिया रहा है उल्टा पुल्टा। कहाँ से बस सिखाएंगे, विधानसभा के अंदर? अंदर में सिखाएंगे, बाहर में भी सिखाएंगे। ठीक है, कहा कह रहा है उसको हम लोग पता लगा देंगे, उसको पहले पता लगा देंगे, जी भुआ खींच लेंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का एक और विवादित बयान सामने आया है। इरफान अंसारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोल रहे थे, इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को स्वर्गीय बता डाला। जब गलती का एहसास हुआ तो कहने लगे कि वो राहुल नहीं राजीव गांधी की बात कह रहे थे। आज हम लोग यहां खड़े हैं, आज सारे मीडिया वाले अगर आप लोग दिखा रहे हैं तो ये गांधी परिवार का दिन है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल नहीं होता। राजीव गांधी, राजीव गांधी, ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मिस्टेक सुनिए, स्वर्गीय स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। स्वर्गीय राजीव गांधी बोल रहा है, आप लोग गलत सुन रहे हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, ये कैमरा भी राजीव जी की देन है, आप लोग भी राजीव जी की देन है, और मोदी जी जो सेल्फी ले रहे हैं ना, ये भी स्वर्गीय राजीव जी की देन है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलते ही रांची में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने खूब मिठाई बांटी और 2024 में बीजेपी को करारी शिकस्त देने का भी दावा किया है। रिपोर्ट देखिए। जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल करने का फैसला आते ही झारखंड के कांग्रेसियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। झारखंड विधानसभा के बाहर मिठाई खाने और खिलाने का दौर लगातार शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश से गदगद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बिना देर किए जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। जश्न मनाने का दिन है, आज पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है हम लोग कह सकते हैं आज न्याय की जीत हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सावरकर नहीं राहुल गांधी हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की थी चुनाव में प्रचार प्रसार में होता रहता है, और इस तरह का कोई मामला कोर्ट पर सवाल उठने लगे हों, जब जिला के कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका के सर्वोच्च कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया है और जो सत्य था उसको स्थापित किया है। मैं राहुल जी को बधाई देती हूं और देश की जनता को बधाई देती हूं। पिछले दिनों मोदी सरनेम केस में गुजरात की अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है। इस फैसले ने 2024 के जंग की तैयारी कर रहे कांग्रेस के साथ साथ अन्य सहयोगी दलों को नई ताकत दे दी, पर बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश की जनता विपक्ष की असलियत बखूबी जानती है। लेकिन यह कांग्रेसी इतने थेथर है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते, न्यायालयों पर भी आरोप लगाते रहते हैं, तो इसलिए इनको इठलाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। भाई न्यायालय का मामला है, इससे न भाजपा का कोई संबंध है न मोदी जी का संबंध है। संसद में जाके आंख मारेंगे, उससे ज्यादा राहुल गांधी क्या कर सकता है। आंख मारने में एक्सपर्ट है, आपने देखा है ना आंख मारते हुए, मैं नहीं मारूंगा। तो राहुल गांधी तो ऐसा है, पप्पू है, वहाँ जाके आंख मारेगा राहुल गांधी, और क्या कर रहा है। वो संस्कार नहीं दिया गया और हमारे पार्टी का ये संस्कार नहीं है कि सीनियर जो बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ हम कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको आजादी हो कुछ भी बोले, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरा देश जानता है। कोर्ट के फैसले से संसद सदस्यता खारिज होने के खिलाफ जंग लड़ रहे राहुल गांधी को इस फैसले ने बहुत बड़ी राहत दी, तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का सुनहरा मौका भी दिया। संजय सिन्हा, न्यूज 18, रांची।
कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी ने इससे कोर्ट का फैसला बताया तो कांग्रेस ने न्याय की जीत करार दिया है। कोई राहत नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया है, स्टे मिलते रहते हैं। उनकी जीत नहीं हुई है इसलिए खुशी मनाने का कोई विषय नहीं है, और अगर जीत भी जाएंगे तो भी जिस समुदाय के लिए उन्होंने खराब बोला है वो समुदाय कभी उनको माफ नहीं करेगा। ये बड़ा स्पष्ट है। आप किसी भी बिरादरी के, कल उन्हीं के एक नेता ने आदिवासी समाज के लिए बुरा बोला था परसों। ये सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। भाजपा के मुंह में करारा तमाचा लगने का काम किया। हम सबको यकीन था कि गांधी परिवार जो है, गांधी देश को दिया है, देश को खड़ा किया है अपने त्याग से, अपने खून से। आज इस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, गांधी परिवार की देन है। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने किया, क्या कसूर था? बोले बोलने पे फांसी दे दीजिएगा क्या किसी को आप? अब बताइए, संस्था छीन लिया आप लोगों ने। दूसरी बात है कि घर से खाली करा दिया, जो देश गांधी परिवार का है उसको आप खाली करा दीजिएगा। राहुल जी का ये जीत न्यायालय की जीत हम कहेंगे, जो आदमी हमारे यहाँ के लोग जो हम कहते हैं कि जहां कहीं भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि हम जाकर कोर्ट में देखेंगे, और यही बात को राहुल जी ने साबित करके दिखाया। बीजेपी का राज नहीं चलेगा, देश में कानून का राज चलेगा, कानून का व्यवस्था चलेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस कन्विक्शन को स्टे किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि कॉन्स्पिरेसी किया गया था षड्यंत्र करके और राहुल गांधी को आउट करने के लिए, ताकि वो देश में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में वो आ ना जाए। झारखंड विधानसभा में हो हंगामे के बीच दो दो विधेयक पारित हो गया। छह विधायकों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था, पर उनकी मांग खारिज हो गई। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हो हंगामे के बीच एक बार फिर दो दो विधेयक पारित हो गए। ये विधेयक हैं झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक। पर विपक्षी विधायकों ने दोनों विधेयकों की कई प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जता दी। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक के वित्तीय गड़बड़ी और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों के टकराव का आरोप लगा दिया। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023, महोदय ये मेरे हाथ में है महोदय, और ये महोदय सरकारी विधेयक है महोदय, ये कोई प्राइवेट विधेयक नहीं है महोदय, ये सरकारी विधेयक है महोदय। और इस सरकारी विधेयक के पारित होने के बाद इसमें सरकार के वित्तीय बोझ पड़ने की पूरी संभावना है महोदय। इसी नौबत क्यों आई, क्या कारण हुआ, क्या समस्या हो रही कि ये परंपरा चेंज हो रही है, तो ये सरकार इस सदन को बताए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक सरकारी विश्वविद्यालयों में जो कुलाधिपति राज्यपाल होते थे, ठीक है आपको अधिकार है बनाने का, आप ये बदलाव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये क्यों दे दिया? लेकिन ना तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी लॉ है जो मेरी जानकारी में है, और ऐसा अमेंडमेंट करना एक यूनिवर्सिटी के लिए मुझे ऐसा लगता है संवैधानिक आधार पर ठीक नहीं है। क्योंकि झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक के तहत मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है, जबकि अब तक राज्यपाल को ही कुलाधिपति बनाने का प्रावधान रहा है।